हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फिर से और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आपके बीच में मैंने पिछले वीडियो में आपको वीलैन के बारे में बताया था कि वीलैन क्या होता है, क्यों हम वीलैन क्रिएट करते हैं, एक वीलैन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास में भी आज हम देखेंगे, वीलैन से ट्रबल शूटिंग करेंगे कि वीलैन कैसे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वीलैन आपको मैंने अलग अलग वीलैन क्रिएट करके बताया था और उसमें मैंने पोर्ट असाइन करना भी बताया था कि मतलब पोर्ट को हम कैसे वीलैन में रखते हैं। तो उसको हमने क्या बताया था, पोर्ट असाइन करना। अब आता है कि हम ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। ट्रबल शूटिंग मीन्स आपको मैंने बताया कि हर वीलैन अलग आईपी के ग्रुप में आता है, मतलब अलग सबनेट में, अलग नेटवर्क में। तो जितने भी वीलैन आप क्रिएट करोगे, हर वीलैन अलग ग्रुप में आएगा। मीन्स अगर वीलैन 1 आप अलग ग्रुप में रखोगे, वीलैन 2 अलग ग्रुप में, वीलैन 3 अलग ग्रुप में, वीलैन 4 अलग ग्रुप में। जितने भी वीलैन आप बनाओगे, आपने हर वीलैन को डिफरेंट आईपीस के ग्रुप में या डिफरेंट आईपी के सबनेट में या डिफरेंट आईपी के नेटवर्क में रखना है, ठीक है। सेम ग्रुप कम्युनिकेट करता है आईपी में भी, आपने देखा विद इन ग्रुप ऑलवेज कम्युनिकेशन, और डिफरेंट ग्रुप कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना है डिफरेंट ग्रुप को या डिफरेंट वीलैन को, तो राउटर। तो अभी हमने राउटर में कुछ किया नहीं है, तो मैं भी आपको राउटर के बारे में नहीं बताऊंगा। बट जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या ये आप दिखा सकते हो? बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, मैंने आपको बताया है जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पूरा इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। मतलब मैं आपको कोई भी वो टेक्नोलॉजी नहीं बताऊंगा जो नेटवर्क एक इंडस्ट्री में यूज नहीं होगा। जो चीज़ होगा यहीं पे और एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा और कैसे करते हैं आगे भी वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पूरी इंडस्ट्री जैसी ट्रेनिंग मिलेगी आपको, यानी जो मैं आपको बताऊँगा। ये हमारा डिवाइस है, इसको मैंने यहाँ पर जो रेड कलर है इस साइड में, ये वाला, इस रेड कलर को मैंने अलग ग्रुप में रखा, यानी वीलैन 1 में। इसको मैंने, यानी जो ये आपका येलो कलर है, ये मैंने रखा है वीलैन 2 में। इधर ये येलो कलर इसमें, इसको रखा मैंने वीलैन 3 में। और ये वीलैन 4 है, इसको रखा मैंने अलग ग्रुप में। ऐसे हम पहले, तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या करना, वीलैन क्रिएट करना है। मतलब पहले आप ग्रुप क्रिएट करोगे, सेकेंड उसके बाद पोर्ट असाइन करना है। तो कभी भी आप डायरेक्ट पोर्ट असाइन नहीं कर सकते, मतलब आप वीलैन बना ही नहीं, मतलब कोई ग्रुप ही नहीं बना हुआ। जैसे ग्रुप मींस एक टीम, अब क्रिकेट टीम बनेगी तभी तो उसमें प्लेयर रखोगे आप। प्लेयर टीम नहीं बनी तो प्लेयर कहाँ रखोगे आप? तो पहले टीम बनानी पड़ती है, टीम मींस ग्रुप। पहले आप ग्रुप बनाओगे और यहाँ पर आपने ग्रुप में क्या रखने हैं, पोर्ट्स, यानी प्लेयर। जैसे टीम में रखते हैं, यहाँ पर पोर्ट रखोगे आप। ओके, तो सबसे पहला चीज़ आपने करना क्या है, तो देखो कैसे करेंगे हम डिपार्टमेंट वाइज। एक डिपार्टमेंट में कैसे हम चीज़, ये रहा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज जैसे वीलैन 1 में मैंने क्या रख दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट। वीलैन 2 ग्रुप को नाम दे दिया मैंने IT, उसमें भी हम डिवाइसेस रखेंगे। वीलैन 3 यानी HR, उसमें भी हम डिवाइस रखेंगे। वीलैन 4 सेल्स। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब मार्केटिंग, एडमिन डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 बताए हैं आपको। तो जैसे इन चारों के लिए करोगे, वैसे उनके लिए भी करना है सेम चीज़। तो अब आता है कि एक ग्रुप में हम कितने पोर्ट रख सकते हैं, मतलब एक वीलैन में हम कितने पोर्ट रख सकते हैं, एज कंपनी रिक्वायरमेंट। मींस कि अगर HR में 5 यूजर्स बैठते हैं, तो आपने इसमें से 5 पोर्ट लेने हैं, आपने 5 पोर्ट्स और उस ग्रुप में डाल दो 5 पोर्ट्स। अगर आपने वहां पर क्या करना है, IT में अगर 10 बंदे हैं, तो आप IT के लिए 10 पोर्ट लोगे।
अगर एचआर के अंदर में या कोई और है, मीन्स सेल्स डिपार्टमेंट है, वहां पे अगर आपके पास में 20 बंदे हैं तो आपने 20 स्पोक लेना है, ठीक है। सबसे पहले चीज तो क्या करेंगे हम, पहले मैं आपको बता दे, तो ये हमारे पास में, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास जो पोर्ट है, ये जो मैंने रेड कलर में आपको बताया, ये किस में है, VLAN 1। तो अब पोर्ट पे क्या लगेंगे कंप्यूटर, सपोज जैसे ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ऐसे आप और लगाओगे इस तरीके से, इसमें भी लगाओगे आप, ये कंप्यूटर्स है। तो आप स्विच इन कंप्यूटर पे, यानी जो स्विच है ये डिवाइस, स्विच इन डिवाइसेस के साथ VLAN 1 के जैसा बिहेव करेगा, मतलब इनको VLAN यानी ग्रुप 1 में समझेगा। कौन, स्विच। ये डिवाइस इस पोर्ट पे है तो स्विच को पता है कि मेरा सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज 1 से लेकर के 9 तक स्विच देखेगा, 1 से 9 तक जो भी डिवाइस लगा हुआ है वो ग्रुप 1 में, यानी उनके साथ उस VLAN 1 जैसा बिहेव करेगा। यहां से यानी जो ये हमारा येलो कलर है, इस पे जो डिवाइस लगेगा, इन पे जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो डिवाइस है, यहां से इस डिवाइस, यहां से यहां तक स्विच इन डिवाइसेस के साथ VLAN 2 का बिहेव करेगा, यानी ये ग्रुप 2 में। तो स्विच देखेगा यहां से, सपोज ये 1 से 9 था, यहां सपोज 10 से 15, 10 से लेके 15 तक इन पोर्ट पे जो कंप्यूटर्स लगे हैं, स्विच उनके साथ VLAN 2 बिहेव करेगा, यानी उनको ये देखेगा कि भैया आप VLAN 2 के मेंबर हो और इधर 1 से लेके 9 तक आप VLAN 1 के मेंबर हो। सेम इधर भी ऐसा ही होगा, इधर जो डिवाइसेस लगे होंगे स्विच इन डिवाइसेस के साथ में, यानी जो ये कंप्यूटर भी है, ये इनके साथ VLAN 3 का बिहेव करेगा। मींस ये जो डिवाइस है स्विच इनके, ये जो पोर्ट है यहाँ से, अब सपोज यहाँ से 16 से लेकर के 20 तक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 16 से 20 तक, तो इन पोर्ट पे 16 से 20 तक जो भी डिवाइसेस हैं स्विच उनको VLAN 3 की तरह बिहेव करेगा कि आप 3 के मेंबर हो। और यहाँ से सपोज 21 से 24 तक इधर जो डिवाइसेस हैं, इस साइड में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, स्विच इनके साथ ग्रुप यानी VLAN 4 बिहेव करेगा। अब यहां इस कंप्यूटर ने अगर दूसरे ग्रुप को भेजना है तो ये तो वन ग्रुप का है, VLAN 1 ग्रुप का, ये किसको भेज रहा, VLAN 2 वाले ग्रुप को, कभी भी ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप कभी भी दूसरे ग्रुप से कम्युनिकेट नहीं करता, या VLAN 1 VLAN 3 को भी नहीं कर पाएगा कम्युनिकेट, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप हो गया, VLAN 1 VLAN 4 को भी, मतलब कोई भी ग्रुप दूसरे ग्रुप को कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको तो कम्युनिकेट करवाना है, तो आपको राउटर लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हर VLAN अलग अलग ग्रुप में आता है। VLAN 192, सपोज मैं एक ग्रुप रख रहा हूँ क्लास सी का 1.0 VLAN 1, तो इसको मैं 1.0/24 आईपी, आपने देखा है, तो इनको वैलिड आईपी देते हैं, सपोज इसको दे दिया 1.1, इसको दे दिया 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करके 1.6 इनको दे दिया। VLAN 2 इसको दे दिया मैंने 192.168.2.1, तो इनको मैं आईपी दूंगा इधर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5, ऐसे। इसको वाले जो VLAN 3 में है इनको दे दूंगा मैं, VLAN 3 को यहाँ पर दे दिया मैंने 192.168.3.0, यानी इस नेटवर्क का रख दिया मैंने, तो इनको आईपी क्या देंगे 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे करके इस तरीके से आईपी देंगे। इस वाले को ये दूसरे ग्रुप में VLAN 4 में, VLAN 4,
इसको दे दिया मैंने 192.168.4.0/24। तो इनको मैं इस ग्रुप का, आपने आईपी पता है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये आईपी दे दी। अब आपको पता है आईपी के डिफरेंट ग्रुप भी कम्युनिकेट नहीं करते, तो VLAN भी हमेशा अलग अलग आईपी के ग्रुप में आते, कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेट करवाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सब के लिए क्या लगाना पड़ेगा, राउटर, बाद में देखेंगे हमें। तो आपको पता है सेम ग्रुप कम्युनिकेट करेगा, यस, VLAN 1 अपने ग्रुप को कम्युनिकेट करेगा, मतलब VLAN 1 यानी 1.2, 1.4 को कम्युनिकेट करेगा या 1.5 को, विद इन ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, बट डिफरेंट ग्रुप कभी भी कम्युनिकेट नहीं होगा। तो 1.2 कभी भी 2. को नहीं भेज पाएगा, 3. या 4. को नहीं भेज पाएगा, आपस में कोई नहीं भेजेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वाकई ऐसे होता है। तो नाउ चलते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये हमारा आ गया। चलो चलते हैं, देखो ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ डिवाइसेस आपके राउटर आएंगे, यहाँ स्विच आएगा। ओके, स्विच लेंगे हम, इधर स्विच की सीरीज आ जाती है, थोड़ा सा छोटे साइज में है तो आपको नहीं दिखेगा। तो 2960 आपने क्या करना है, लेफ्ट से क्लिक करना है और लेफ्ट पे यहाँ रख देना आपने, ठीक है, ये इसमें रख दिया आपने। अब आपने करना क्या है, इस पे आप डिवाइस कनेक्ट करोगे, डिवाइस मतलब कंप्यूटर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इधर आपने क्या करना है, इसमें पहले VLAN बना देते हैं, क्योंकि तभी हम पोर्ट रखेंगे उसमें। तो पहले क्या करेंगे, CLI पे जाएंगे, इधर स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, एंटर, सेम जो मैंने आपको बताया था पिछला, आप जो प्रीवियस वाला वीडियो उसमें देखना, मैंने बताया यहाँ पे इनेबल, ये इनेबल मोड है, इसमें आपने VLAN देखना है। तो बाय डिफॉल्ट आपको बताया था मैंने शो VLAN, एंटर। तो आप देखोगे अभी मैंने कोई VLAN नहीं बनाया है, तो एक VLAN पहले से बना होता है, ये वाला VLAN 1। वैसे ये भी बना होते हैं, आपको इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि हाउ मैनी VLANs बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड, कितने VLAN बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी VLAN 1, VLAN 1002, VLAN 1003, VLAN 1004 एंड VLAN 1005, 5 VLAN बाई डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। लेकिन हम इंडस्ट्री में हम इसको यूज नहीं करते, हम इसी पे काम करते हैं, IT वाले बंदे इस पे, ठीक है, इस पे करते हैं। और बाई डिफॉल्ट सारे पोर्ट किस में होते हैं, VLAN 1 में, यानी ग्रुप 1 में लिखा भी है VLAN 1 टाइप है, और डिफॉल्ट मतलब जो पहले से क्रिएटेड होता है। तो सारे पोर्ट आपके VLAN, यानी सारे पोर्ट आपके VLAN 1 में होते हैं, और VLAN 1 को ही हम नेटिव VLAN में बोलते हैं। क्या कहते हैं, नेटिव। अगर आप यहाँ पर देखोगे इधर, तो VLAN 1 को हम यहाँ पर VLAN 1 को हम नेटिव VLAN, नेटिव VLAN भी बोलते हैं। किसको, VLAN 1 को, VLAN 1 को हम नेटिव VLAN बोलते हैं, ठीक है। तो नेटिव VLAN है हमारे पास में, ओके। अब आपने करना क्या है, देखो इधर ये, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखने की कमांड, तो ये आपका क्या है, इनेबल मोड। इनेबल मोड को मैंने अभी तक आपको सिर्फ बोला इनेबल, इसको प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। इनेबल मोड का दूसरा नाम क्या है, प्रिविलेज। तो अब आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो नाउ अब हमने क्या करना है, VLAN बनाना है, तो इस मोड में VLAN नहीं बनता, तो आपने ग्लोबल में जाना है, conf t शॉर्टकट में, या तो नहीं तो conf और t प्रेस करोगे, टैब का बटन टर्मिनल, तो शॉर्टकट में भी आप प्रेस कर सकते हो conf t। ओके, अब VLAN बनाओगे आप, तो आपने VLAN 1 पहले से बना हुआ है, क्या हम पहले जो फर्स्ट VLAN बना, क्या उसको हम डिलीट मार सकते हैं, नो, डिफॉल्ट वाला कभी डिलीट नहीं हो, या कभी हम उसको क्या बोलते हैं उसे, ये उसको उसके साथ कुछ कर सकते नहीं। तो VLAN 2 नेम जैसे मैंने दिया अकाउंट, ठीक है, VLAN 3 नेम सपोज दे दिया IT, VLAN 4
नेम दे दिया एचआर, वीलैन 5, नेम दे दिया सेल्स, 5 वीलैन ही बना रहा हूँ, ठीक है, 5 वीलैंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये वीलैन बना दिए। अब आपने क्या करना है, इनको पोर्ट असाइन करना है आपने, ठीक है। तो अब देखो, पहले आप देख लो एग्जिट, ठीक है, यहां पर आप देख लो इसको एग्जिट और एग्जिट। तो एग्जिट से क्या होगा, आपको दो बार एग्जिट, मतलब एग्जिट का मतलब होता है वन स्टेप बैक, यानी एक स्टेप आपको पीछे जाना है। अब देखो जो आपने वीलैन बनाए थे, सो वीलैन एंटर, तो आप देखोगे आपने जो वीलैन बनाए थे वो ये आ गए, अकाउंट आईटी एचआर सेल्स, नहीं है तो आप यहां पे वेरीफाई कर लो, यस वीलैन 3 को, वीलैन 2 को आपने क्या नाम दिया था, इधर देखो अकाउंट, वीलैन 2 को अकाउंट दिया था, वीलैन 3 को क्या नाम दिया था आईटी, ये रहा, वीलैन 4 को आपने क्या नाम दिया था एचआर, ये रहा, वीलैन 5 को क्या नाम दिया था आपने सेल्स, वो ये रहा। बट अभी पोर्ट नहीं रखे, अब आपने पोर्ट असाइन भी करना है, तो क्या करोगे आप देखो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये वाली जो ये नंबरिंग आ रही है, आप बोलोगे ये क्या है, ये अभी ये आपके किसी काम की नहीं है, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं, यस, कैसे, ये बस मैं इतना देखना चाहता हूँ जो मेरे काम की है, वो सिर्फ इतना है, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना आए, ओके। तो आप क्या करना, शो वीलैन ब्रीफ, मतलब ब्रीफ मतलब क्या होता है कि आप मुझे छोटा करके दिखाओ, तो इंटर मारोगे तो यस, सो वीलैन ब्रीफ, इसमें हमें देखो इस मोड में देखने का काम होता है। तो देखो जो ये नीचे का पोर्शन था ये अब हट गया, अब नहीं आ रहा, ओके। तो ये हमारे पास में आपको दिख गया, तो ये वीलैन 1 दिख गया और ये आपने जो वीलैन बनाया लेकिन पोर्ट नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, अब हम पोर्ट असाइन करेंगे, ओके। तो मैं रेंज में करूँगा एक एक करके, तो मैंने कल बताया था, रेंज भी बताई थी मैंने कल आपको, लेकिन वीडियो थोड़ा सा एक एक करके करोगे ना तो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेंज डिफाइन करते हैं यहाँ, तो क्या करेंगे, कहाँ करना, जो भी चीज़ आप कॉन्फ़िगर करोगे, मतलब कॉन्फ़िगर करना आपने, तो आप ग्लोबल में या कॉन्फ़िगर मोड में जाओगे, तो आपने कॉन्फ, अब मैं पूरी कमांड नहीं लिख रहा हूँ, सॉर्ट कॉन्फ टी, स्पेस देना बीच में आपने, कॉन्फ और टी के बीच में, ओके। क्या करोगे, इंटरफेस रेंज कहाँ से, F0/1 से और कहाँ तक, ये इसको रखूंगा मैं इन चारों को, तो आप यहाँ पे लिख दो 4, ये भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो F0/4, इस तरीके का भी लिख सकते हो F0, A लिखने की जरूरत नहीं है, पहला लिख लो F, मैं वही लिखा मैं, A लिखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ नंबर सही देना 0/1, तो इसमें रेंज आ गई आपको ये, तो आप पूरा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो यू करके, ऐसे 4, ठीक है। तो आप F0 ऐसे करके आपने 4 लिख दिया, देखो ले ली कमांड। अब आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट आपको बताया था, स्विच पोर्ट एक्सेस किस में रखना चाह रहे हो आप, इसको VLAN, इसमें VLAN के बाद स्पेस देना और तब नंबर रहे, जो हो गया, यानी ये पोर्ट आपका इसमें आगे नीचे। अब आता है, आप बोलोगे कि हम देखने के लिए पीछे जा रहे हैं फिर यहाँ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है कि मतलब जाए हम पीछे, मतलब काम यहाँ कर रहे हैं देखने के लिए पीछे जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो रही है कि फिर आओ यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एग्जैक्टली आप देख सकते हो, कैसे, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मतलब ग्लोबल मोड, वैसे देखने के लिए इनेबल मोड ही होता है, बट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कैसे, कमांड जो देखने की होगी वही चलानी है आपने, शो वीलैन सपोज यहाँ पे, पर यहाँ पे टैब का बटन काम नहीं करता, मतलब जिस मोड की कमांड होगी वहीं पे टैब का बटन काम करता है, और अगर जिस मोड की नहीं होगी तो वहाँ पे टैब का बटन काम नहीं करेगा। मींस ये आपका जो शो वीलैन था ये इनेबल की कमांड है, पर हम इसको चला कहाँ रहे हैं, कॉन्फिगर या ग्लोबल मोड में, तो यहाँ पे टैब का बटन काम नहीं करेगा, अलग मोड पे। तो अब आपने क्या करना है, सो वीलैन ब्रीफ से, तो अगर आप एंटर मारोगे तो एरर आएगा, बोलेगा भैया इस मोड की कमांड नहीं है ये, तो आप इसको क्यों चला रहे हो, पर मैंने बोला कि नहीं चलानी है। तो आपने क्या करना है, उस कमांड, जो कमांड है उसके आगे डू लगा देना है, डू का मतलब होता है फोर्सफुली, कि फोर्सफुली मेरे को दिखाओ, और जब आप एंटर मारोगे तो देखो आप ग्लोबल में भी हो
और आपको दिखने का काम भी हो गया। देखो यहाँ तो आपने F01, F02 और 4 को आपने अकाउंट में लेके आ गए, मतलब ऊपर से हट गए, एक पोर्ट एक ही वीलैन में होता है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, 1 से लेकर के 4 तक जितने भी इन चार पे जो इन पोर्ट पे जो कंप्यूटर लगेंगे, स्विच उनके साथ वीलैन 2 का बिहेव करेगा। ओके, तो कंप्यूटर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो कंप्यूटर कैसे लगाना है, आपने यहाँ पर जाओगे आप, ये देखो यहाँ पर एज एंड डिवाइसेस लिखा होगा, एंड ये यहाँ पर ये एंड, और यहाँ पे लिखा है लैपटॉप, ये पीसीबी लेना लैपटॉप, ये बस आपने ड्रैग कर देना है ऐसे, इस तरीके से ये आपने ड्रैग कर दिया, इस तरीके से आपने ये ड्रैग कर दिया। ओके, अब आपने यहाँ पर अब ये किससे कनेक्टेड होंगे, स्विच से, क्या चाहिए, वायर। वायर के लिए देखो ये वायर बनी हुई है, ये देखो ऑरेंज कलर में जो है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखो ये इतनी वायर्स हैं, अब आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इस वायर में हमारे पास जो होगा वो डिफरेंट डिवाइस के लिए क्रॉस केबल आती है, डिफरेंट के लिए स्ट्रेट केबल, सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल, डिफरेंट के लिए स्ट्रेट और सेम डिवाइस के लिए क्रॉस। सेम मतलब कि जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो सेम डिवाइस है, तो क्या चाहिए इसके लिए, क्रॉस केबल। और डिफरेंट डिवाइस अगर मैं स्विच से और कंप्यूटर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो दोनों अलग है, स्ट्रेट केबल। अब आपको कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मेरा ये देखो ये डायरेक्शन, इसमें आपके पास आएगा। तो आपने हर केबल के ऊपर क्लिक नहीं करना, बस ऐसे माउस लेके जाओ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा स्ट्रेट केबल, देखो स्ट्रेट थ्रू लिखा हुआ, तो बस आपने इस केबल पे टिक कर देना जहाँ पे स्ट्रेट लिखा हुआ है। और क्या करना है, आपने यहाँ पे जाओगे किस पोर्ट पे, हमेशा केबल फास्ट ईथरनेट पे लगती है, F0 ये वाली, इन पे नहीं लगेगी, इन पे अगर लगा दिया एरर दे देगा, बोलेगा भैया इस पे नहीं लगती, ठीक है। तो आपने F00 पे लगाना, ओके, और कहाँ, स्विच में, और किस पोर्ट पे लगाना है, F01 पे, ठीक है। तो अब स्विच इस कंप्यूटर को VLAN 2 में रख देगा, क्योंकि उसको पता है कि 01 किस में है, 2 में, तो इसके साथ वो अब ग्रुप 2 जैसा बिहेव करेगा। ओके, अब ये कनेक्ट हो गया, अब इसको भी कनेक्ट करेंगे। तो कौन सी केबल, देखो यहाँ पर, बस यहाँ पर लेके जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ रहा क्रॉस, कौन सी है, ये रहा ये क्रॉस है, देखो नीचे, बस यहाँ पर देखना आपने नाम क्या लिखा हुआ रहा है। तो आप इस पे जाओगे स्ट्रेट पे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट अलग अलग डिवाइस है, तो इधर आपने इस पोर्ट पे जाना है फास्ट पे, यहाँ लगाओगे, और किस पोर्ट पे, 2। तो अब स्विच इसके साथ भी VLAN 2 जैसा बिहेव करेगा। तो ओके, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं इधर इस पोर्ट पे, यहाँ 3 पे, फिर जाएंगे इसी पे क्लिक करेंगे ये, तो ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, देखो आप इनको ना सर्किल में भी रख सकते हो इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर इसको मैं एक वो बना देता हूँ, अगर आप ये देखोगे सर्किल बना देता हूँ ये, और ये आगे मेरे VLAN 2 में लिखने के लिए, देखो ये सर्किल बनाने के, देखो लिखने के लिए ये रहा यहाँ पर, ये लिखा होगा इधर, ये अगर आप माउस लेके जाओगे तो प्लेस नोट लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पर ये हो गया हमारा VLAN 2। तो इन ये जो कंप्यूटर हमारे, देखो कोई भी चीज़ अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये, अब ये हटेगा नहीं, है जहाँ भी क्लिक करोगे ये हटेगा नहीं। तो आपने एस्केप का बटन कीबोर्ड में F1 के सामने एस्केप का बटन, या यहाँ पर क्लिक कर दो आप, अब हट गए, ठीक है। अब ये मैंने इनको, मैंने जो चारों कंप्यूटर थे इनको मैंने किस में रख दिया, VLAN 2। अब आगे काम करना आप, ये तो 2 में रख दिया, अब चलते हैं आगे पोर्ट रखने के। तो अब ये तो मैंने अभी रेंज में हूं, मैं किस रेंज में था, इनके इसके अंदर था मैं अभी, ये देखो रेंज कमांड दी थी मैंने 1 से लेके 4 तक ये वाली, तो अभी मैं इस रेंज के अंदर हूँ, तो मुझे बाहर आना है, क्यों, अब मुझे दूसरी रेंज पे जाना है। तो आप करोगे एग्जिट,
अब लिखना फिर आपने इंटरफेस रेंज। अब आप कौन सी रेंज में जाओगे, आपने ये तो 1 से 4 तक आपने इसको दे दिया, अब आप 5 से लेकर के और 8 तक ये वाली, इसको आप VLAN 3 में रख लोगे। क्या करना आपने, इंटरफेस रेंज F05 से और ऐसे करके 8, ऐसे भी लिख लो तो भी ले लीजिए कमांड। और क्या लिखना आपने, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, मतलब पोर्ट नंबर 5 से 8 तक जो भी डिवाइस लगेगा स्विच उसको VLAN 3 में रखेगा। तो चलो रखते हैं 5 से 8। ओके, तो फिर हमें और कंप्यूटर्स चाहिए, तो इस यहाँ पे जाएंगे एंड डिवाइस पे लैपटॉप। ओके, ऐसे करके ड्रैग कर लो ऐसे यू में, ऐसे केबल लगाओ वही स्टेट केबल, तो यहाँ पे 5 से इधर ये देखो, सेवन इस पे लगाना फास्ट इथरनेट पे, और ये तो अब फिर ये सर्किल बनाने के लिए यहां पे क्लिक करोगे, कहीं पे भी आपने जो भी सेलेक्ट, भाई यहां पे सेलेक्ट करके भाई कट कर देना ये, और इसके साथ ये जो कंप्यूटर है अब लिखना है आपने, तो आप यहाँ पे टिक करोगे ये जो प्लेस नोट है यहाँ पे लिखा, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो मैसेज आएगा प्लेस नोट, मतलब ये लिखने की। इसको मैंने दे दिया VLAN, ये ग्रुप 3 में आ गए। ओके, अब एक और बना देता हूँ मैं ऐसे, तो क्या करना ये 3 में रख दिया, अब चलते हैं फिर इसी पे क्लिक करना है आपने डबल क्लिक ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अभी आप इस रेंज में हो, बाहर आ जाओ इस रेंज से, फिर इंटरफेस शॉर्टकट भी इंटरफेस यानी तो टैब का बटन दबा दो रेंज, और F0 8 तक मैंने ऊपर दिया था, अब 9 से सपोज मैं दे रहा हूँ 12, जितने आपने रखने ऐसे, तो 9 10 11 यानी 4 पोर्ट है। फिर वही लिखोगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और इनको रख रहा हूँ मैं VLAN 4 में, ऊपर मैंने 3 में रख दिया, अब इनको 4 में रख रहा हूँ। ओके, तो अब आप जाओगे फिर आपको कंप्यूटर, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप ये बोलोगे कि एक एक कंप्यूटर ने हमें ऐसे ड्रैग करना पड़ रहा है, ऐसे दिक्कत हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, क्या करो आप अपने अपने मशीन पे यानी आपका जो पीसी और लैपटॉप होगा उसके कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, मतलब कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो, उठाना नहीं है। ओके, और जो डिवाइस आपको चाहिए, चाहे वायर चाहिए चाहे डिवाइस चाहिए, उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, कर दिया। अब कंट्रोल का बटन जो आपने दबा के रखा था उससे हाथ उंगली हटा दो, हटा दिया। अब क्या होगा, अब आप जितने डिवाइस यहाँ पे टिक करोगे, जितनी बार क्लिक करोगे ये उतने आते रहे, हटेगा कैसे, एस्केप का बटन दबा के ये, अब जैसे ये हट गया, डिलीट मारना आपने, यहाँ पर डिलीट का बटन है ये, ठीक है ये, तो आपने क्या करना है इनको आप डिलीट मारो, इनको डिलीट मारो आप एक एक करके या कीबोर्ड से, उसमें जैसे मैंने वो डिलीट मारा फिर से वापस आ गया कंट्रोल जेड अंडू जिसको बोलते हैं, अगर कोई चीज वो हो गई है तो आप उसको, तो अब आपने करना क्या, देखो ये अब ये भी नहीं हटेगा एस्केप का बटन या कीबोर्ड से प्रेस करो, अब आपने क्या किया 9 से केबल है ये, अब आपको स्टेट केबल बार बार चाहिए तो कंट्रोल का बटन दबा के रखो स्टेट केबल के ऊपर प्रेस कर लो। ओके, अब आपने यहाँ पे टाइप करना 9 से यहाँ ऐसे, अब केबल नहीं हटेगी, देख लो इधर और 11, ठीक है मैं भी एक पोर्ट छोड़ रहा हूँ। ओके, इसको आपने रख दिया यहाँ पर, बस आपने सेलेक्ट नहीं करना इसको, बस सिर्फ कट कर दो यहाँ से, और ये आपका इधर ये आ गया आपका, यहाँ पे लिखना आपने ये VLAN 4। ओके,
अब हम इनको आईपी देंगे, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे क्या कि वीलैन वन को मैं रखूंगा जिस ग्रुप में भी रखना आपने, तो वीलैन वन को रखूंगा ये वीलैन वन, बाकी जो और पोर्ट बचे हैं वो वीलैन वन में है, ठीक है, जो और पोर्ट बचे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट किस में होते हैं, वन में, लेकिन मैंने इधर इनको टू में रख दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने थ्री में रख दिया, यहाँ से फोर, अब 12 से आगे जो भी होगा वो वीलैन वन में आए, ठीक है। अभी वो यहाँ पर देखो आप, अगर आप इधर देखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी वीलैन टू, और वीलैन टू का दे रहा हूँ मैं, अभी वन का भी दे देंगे अभी, तो चलो इसको अभी हम वीलैन वन में ही रखते हैं, मतलब इसको वीलैन वन में, ठीक है, ये वीलैन वन में हो गया हमारा, ये इसको, ये हमारा क्या है, इसको दे दिया मैंने 192.168.2.0/24, ये वीलैन टू का है। वीलैन थ्री को यहाँ पर दे देते हैं 192.168.3.0/24, हर वीलैन अलग ग्रुप में आएगा, और ये था हमारा वीलैन, यहाँ पे दे देंगे 192.168.4.0/24, ये हम इसमें दे देंगे, ओके। तो ये आपके पास ये वीलैन फोर का, अब आपने कम, ये देखो अभी मैंने वीलैन वन बाद में रखूँगा मैं, मतलब कंप्यूटर बाद में लगाऊंगा वीलैन वन, अभी मैंने 2, 3, 4 पे लगाया, ओके। अब आपने कंप्यूटर को आईपी देना है, तो कैसे देते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप इस कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करो, ओके, इस कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप ये आ गया, डेस्कटॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, 192.168, ये वीलैन टू का है, कीप इन माइंड हमने वीलैन टू को आईपी दे रहे हैं, तो इस रेंज का देना हमने, तो यहाँ पे 2.1 सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट /24 किया, ओके, बस आपने छोड़ देना है, इसको सेव करने के लिए नहीं आता, यहाँ पर जाओगे आप, जल्दी जल्दी करो, फिर आप आईपी पे जाओगे आप 192.168.2.2 और सबनेट मास्क अपने आप, अब इसको आप क्या करो, जल्दी से कॉपी कर लो कंट्रोल सी, क्योंकि दूसरी मशीन पे देने के लिए फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो डेस्कटॉप यहाँ पर जाओगे कंट्रोल वी कर दो, यहाँ पे सेम मशीन नहीं दिया जाता, सेम आईपी नहीं दिया जाता मशीन को, तो मैंने यहाँ 2.2, तो इसका मैं लास्ट वाला चेंज कर दूंगा, बाकी उसी रेंज का है, ओके। यहाँ पर सेम वीलैन, सेम सबनेट, सबनेट मतलब ग्रुप, सेम सबनेट, और डिफरेंट वीलैन, डिफरेंट वीलैन, डिफरेंट सबनेट, सबनेट मतलब ग्रुप, कौन सा ग्रुप, आईपी का, यस, डिफरेंट नेटवर्क, तो ये आपने देखना, सेम वीलैन सेम सबनेट, डिफरेंट वीलैन डिफरेंट सबनेट, ओके। अब आप यहां पर जाओगे डिवाइस पे, अब बताता हूँ, सेम वीलैन, ये वीलैन टू में, वीलैन टू में सेम ग्रुप का आईपी, सेम वीलैन सेम ग्रुप, डिफरेंट वीलैन डिफरेंट ग्रुप, तो आपने सेम वीलैन को, यानी इस वीलैन को इसी ग्रुप का देना है, तो ये थ्री है, तो इन चारों को थ्री का देना है, ये डिफरेंट वीलैन है, इसी ग्रुप का देना है, ओके। तो दो आईपी इसको भी आप, तो किस पे जाना आपने, डेस्कटॉप पे आईपी पे, और इधर 192.168 ये थ्री का है, 3.1, ओके, कॉपी कर लो, जल्दी काम हो जाएगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे आप इस पे जाओगे डेस्कटॉप, कंट्रोल बी, 3.2, वन सेम आईपी नहीं देते, एक मशीन हमेशा, हर मशीन को अलग अलग आईपी, तो इधर वो मैं टाइप करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3.3, आपको लगता है कि अगर हमने दे दिया तो क्या होगा, देखो मैं आपको एरर भी बता देता हूँ क्या होता है, सपोज आपने यही आईपी दे दिया और यहाँ पे कर दिया, तो क्या मैसेज आया, दिस एड्रेस ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, ये आईपी यूज हो रहा है नेटवर्क का, मतलब इसको दिया हुआ है, तो मैसेज ऐसे आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे दे दो 4, तो देखो अब वो बोलेगा कि ये आईपी, वो चेक भी करता है,
ठीक है, ये वाला, इस पे भी चलेंगे, डेस्कटॉप, तो ये 4 का नेटवर्क है, 4.1, इसको हम कॉपी करेंगे, ओके, इधर चलेंगे, डेस्कटॉप पे, आईपी पे जाना है, इसको दे दो 4.2, यहाँ चलेंगे, कंट्रोल वी, 4.3, ये हो गया, ट्रबल शूटिंग नाउ। अब ट्रबल शूट मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया था मैंने सेम VLAN कम्युनिकेशन करता, सेम VLAN मतलब VLAN 2, ये भी VLAN 2 में, ये भी VLAN 2 में, ये भी, ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। तो इससे हम इस मशीन को पिन करके देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी फ्रेम। तो इधर आप क्या करोगे, कहाँ, कैसे पता करोगे, यहाँ आपने कैसे भेज दिया पैकेट, आप यहाँ पे जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ये जहाँ पे रन लिखा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। और किसको, हमेशा ध्यान रखना, किसको भेजना हमें, तो इसको मैंने 2.1 दिया था, इसको 2.2, इसको 2.3, इसको 2.4, तो आप लिखोगे पिंग। और किसको, हमेशा डेस्टिनेशन का आईपी आना चाहिए, यानी जिसको आप पैकेट भेज रहे हो, 2.4, ये, और एंटर मारोगे तो देखो रिप्लाई, अगर आपका रिप्लाई और लास्ट में TTL आ रहा है, टाइम टू लाइव बोलते हैं उसे, अगर ये आ रहा है तो आपको आंसर मिल रहा है, मतलब ये मशीन इस तक पैकेट भेज रही है, पैकेट फ्रेम जाता है, हमेशा ध्यान रखना, बट पैकेट पैकेट आता है तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना पैकेट ही बोलेंगे, ओके। तो इसने अपने ग्रुप में भेज दिया, यानी मैंने आपको बताया सेम ग्रुप कम्युनिकेट करता है आईपी में भी VLAN में। इसको देख लो यहाँ से, इसको भी देख लो आप, कहाँ जाना, कैसे पैकेट भेजेंगे, इस मशीन को ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाना है आपने, ध्यान रखना, अगर आपका ये आ रहा होगा तो आप बोलोगे कैसे भेजना, आपने डेस्कटॉप पे जाना है ये इधर, और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, पिंग, किसको, जिसको भेजना है आपने, तो किसको भेजना है आपने, 2.4, देखो आ गया। क्या मैं दूसरे ग्रुप को पिंग कर सकता हूँ, नहीं, तो क्या VLAN 2 3 को नहीं कर पाएगा पिंग, तो चेक करके देख लो, पिंग 192.168.3, दूसरा नेटवर्क क्या मेरा 3 का, टेस्ट करके देखते 3.1 तुम्हारे सामने, देखो मैंने यहां से इसको पैकेट भेजा, तो आपको पता है स्विच सिंगल ग्रुप है। अब आप बोलोगे आपने तो स्विच में 3 ग्रुप बना दे, स्विच सेम ग्रुप को कम्युनिकेट कराएगा, स्विच बोलेगा मैं सिंगल ग्रुप हूँ, मतलब मैं एक ग्रुप को ही कम्युनिकेट करवाता हूँ, एक ग्रुप को, मैं अलग अलग ग्रुप को नहीं करवाता, मतलब 2-2 को कम्युनिकेशन करवाएगा स्विच, 3-3 को करवाएगा, 4-4 को करवाएगा, मतलब 2 से 3 को नहीं करवाएगा। तो देखो RTO, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में RTO, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा, स्विच करने, स्विच बोलता है भैया मैं अलग अलग ग्रुप को कम्युनिकेट नहीं करता, आपको राउटर चाहिए इसके लिए, राउटर है नहीं है, तो देखो नहीं गया, देखो आपके सामने है, मैं दूसरे को भी भेजता हूँ, 3.4 को भेजता हूँ यहाँ पे, ये 3.4 हमारा ये था, अगर आप देखोगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये था, नहीं है तो चेक करके देख लो, 3.4 है, आईपी पे जाके देख लो, 3.4 ये है, हम इसको भेज रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से नहीं आएगा रिस्पॉन्स, तो क्या हुआ इससे प्रूफ, मैंने आपको बता दिया कभी भी डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, क्या ये ग्रुप में करेंगे अपने अपने ग्रुप में, यस ये करेंगे, तो देखो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, आपने अपने ग्रुप को पिंग करेगा ये भी 192.168.3.4 अपने ग्रुप, तो अपने ग्रुप में चाहो किसी को भी भेज देगा 3.2, क्या दूसरे ग्रुप को भेज देगा ये, नो, क्या मैं 4.0, अब मैं दूसरे ग्रुप को भेजता हूँ 4.1 को, नहीं है, स्विच कभी भी दूसरे ग्रुप को कम्युनिकेट नहीं करवाता, यानी डिफरेंट VLAN कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होता, किस में, स्विच में, तो देखो अलग अलग VLAN कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, यही मैंने आपको दिखाना था, ये ट्रबल शूटिंग है। आप अब होता क्या है,
अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये VLAN 2 में है, ओके ये VLAN 3 में है। अगर मैंने VLAN 2 के ग्रुप का आईपी, मतलब VLAN 2 इस ग्रुप, ये है इधर, इनको मैंने VLAN 2 का आईपी दिया है, इधर मैंने VLAN 3 का दिया है, तो आप बोलोगे अलग अलग ग्रुप के हैं दोनों, पर आपका मन कर रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं VLAN 3 को भी VLAN 2 का आईपी दे देता हूँ, यानी VLAN 2 का आईपी मैं VLAN 3 की मशीन को दे देता हूँ, तो क्या पिंग करेगा? इधर देखो, चलो चेंज करके देखते हैं। अभी तो ये मशीन किसकी है, ये VLAN 3 का है, तो 3 का दिया हुआ है, मैं यहाँ पर 2 का आईपी दे देता हूँ, 2 का, तो 2 का मतलब मैंने यहाँ पर दे दिया 2.5 का, ठीक है, ये 2.5 दे दिया। अब पिंग करके देखते हैं ऊपर से 2.5 को, तो यहाँ पर आप टाइप करोगे पिंग 192.168.2.5, तब भी पिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्विच इनके साथ बिहेव कैसे कर रहा है, VLAN 3 का। तो इस कंप्यूटर को अगर आपने इस ग्रुप का आईपी दे दिया, मतलब इस ग्रुप का, स्विच बोलेगा उससे क्या होगा, भैया आप यहाँ पर मैं आपको अलग ग्रुप में रख रहा हूँ या अलग ग्रुप में, यानी कहने का मतलब क्या कि अगर आपने छठी का बच्चा सातवीं में रख दिया, तो वो सेवन्थ क्लास में जैसे ही जाएगा क्या वो कम्युनिकेशन कर पाएगा वहाँ पे? नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ ही नहीं, मेरा नेटवर्क या मेरा ग्रुप है या मेरी क्लास है ही नहीं, तो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी की क्लास में भेजना पड़ेगा, यानी यहाँ। तो कभी भी अगर, कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपने दूसरे VLAN का आईपी आपने किसी और VLAN को दे दिया, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, रीजन कि स्विच इसको अलग ग्रुप में समझता है, इसको अलग ग्रुप में, तो जैसे वो इसको अलग ग्रुप में जब यहाँ जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं आप तो हो ना अलग ग्रुप में ही हो, तो चाहे आप इसका आईपी यहाँ रख दो, तब भी मैं आपको VLAN 3 का ही समझूंगा, और मैं कभी भी अलग अलग VLAN को कम्युनिकेट नहीं करवाता, आपको राउटर चाहिए। तो सो दैट आपको मैंने ये ट्रबल शूटिंग बताया, VLAN कम्युनिकेशन बताया, VLAN कैसे क्रिएट करता है, आज भी आपका एक तरीके से यहाँ पर रिविजन हुआ है, और प्लस आप पोर्ट असाइन कैसे करते, उसका भी असाइन कैसे हुआ है। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।